हरियाणा में हमारी पूरी तैयारियां हैं। कोविड एक बार फिर आया है, ये म्यूटेशन बदल कर बार बार आ रहा है और मुझे तो लगता है कि अब हमें इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। हमने अपने सारे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है, सारी हमारी जो लैब्स हैं आरटीपीसीआर हमने हर ज़िले में लगा रखी हैं, सारी हमने दोबारा फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी हैं और वैक्सीनेशन का मेन अब इशू है, जो फर्स्ट डोज है हम 103% लगा चुके हैं, जो सेकंड डोज है वो हम लगभग 2,30,00,000 लगा चुके हैं, तो 86%। जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कम लगी है, तो अब हमने ऑर्डर दे दिया है बाज़ार में वैक्सीन खरीदने का, वैक्सीन आ जाएगी, जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी लगाएंगे। और हमने देखा था कि उसमें लोगों की तीसरी डोज लगाने की रुचि कम है, तो हम जो भी वैक्सीन लगवाएगा उसको हम कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट साथ देंगे, वो हमने टीम बना दी है, डिसाइड कर देंगे बोर्नविटा देना है या कुछ और चीज़ देनी है, या हमारी हरियाणा सरकार भी बनाती है, हैफड बनाती है, हमारा जो और डिपार्टमेंट है वो भी बनाते हैं। वो हमने कह दिया है कि हर इंजेक्शन लगवाने वाले को हम एक अपनी तरफ से सरकार की तरफ से हेल्थ सप्लीमेंट देंगे। केंद्र का होगा सर या फिर नहीं, हम अपने बूस्टर डोज कितने प्रतिशत वो 10-12% है, वो लगी है अभी तक 20,13,142। नहीं, वो मैंने पहले दे दी, मैं किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ, मैं लोगों में कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। वो मैंने कह दिया कि जो हेल्थ स्टाफ है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, वो तो सब मास्क पहनेंगे और बाकी लोगों को जो 100 से ज़्यादा की भीड़ है उसमें मास्क लगाने के लिए जाना होगा। मैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप करिए अपनी जो आपकी कार्रवाइयाँ हैं, जो गतिविधियाँ वो करिए, लेकिन अगर आपकी हाजिरी 100 से ज़्यादा है तो मास्क लगाना अनिवार्य है। नहीं नहीं, हमारा आप पूरी तरह से हमारे सब अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल। अभी अभी जो है, जो आज की तारीख है, तो न्यू केसेस आज 318 थे, इसमें से जो लगभग गुड़गांव और फरीदाबाद के ही जो हैं वो 69% हैं। ज़्यादा वो फरीदाबाद और गुड़गांव मैंने कह दिया, गुड़गांव के 179 है इसमें से और फरीदाबाद के 21 हैं, इन दोनों शहरों के ही मिला के 69%। यार मैं अभी बोल दिया कि हम खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं, सर जो मौजूदा जो अब आप लेट आए ना भैया जी, सर मौजूदा जो वायरस है क्या वो इतना खतरनाक है जितना पहली और दूसरी वेव में देखते हैं? नहीं, जो अभी तक हम देख रहे हैं तो वो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक बिहेवियर हमने देखा, जो हमारे पास अभी तक पेशेंट्स हैं उनका जो हम देख रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा ज़्यादा भयंकर बात नहीं है। बच्चों को डोज लगाने के लिए, बच्चों को डोज लगाने के लिए नहीं, सभी का ही हमने कह दिया। भाई एक कह दी बात कि 100 से ज़्यादा अगर है तो मास्क लगाना। इसके अलग एक मामला है सर, सोनीपत का जो मोनिका की जो डेथ हुई थी सर, उसके परिजन उनका दशम का दाह संस्कार नहीं कर रहे। नहीं, मेरी जानकारी नहीं, आप जानकारी लिए थे बता। ठीक है जी, के साथ 5 बजे CMOs और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और जो अधिकारी हैं, अभी VC तय की है, हम उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे और ताकि हम कोविड को अच्छी तरह से लड़ सकें।